उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक प्राचीन स्थान शनिदेव का बना हुआ है। यह स्थान कई वर्ष पुराना स्थान है। यहाँ पर यह स्थान जंगलीनाथ मंदिर, जो कि पहले जंगलों के बीच हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर आबादी होना शुरू हो गया। अब लेकिन यह जंगलीनाथ मंदिर में एक शनिदेव का स्थान भी बना है, जहाँ पर शनिदेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भक्त सीतापुर शहर व अन्य जगहों से भी पूजा करने के लिए आते हैं। शनिदेव के मंदिर में ज़्यादातर कड़वा तेल का दिया व कड़वा तेल शनिदेव को पर चढ़ाते हैं। जिनके शनि अरिष्ट होते हैं वह भी लगातार 7 से 7 दिन या 11 दिन शनिदेव पर कड़वा तेल चढ़ा कर अर्पित करते हैं, जो कि उनके जंगलीनाथ मंदिर में एक शनिदेव का मंदिर बना हुआ है। यह कितने वर्ष पुराना स्थान है, क्या मान्यता है इस मंदिर की? देखिए, ये बाबा जंगलीनाथ का मुख्य स्थान जंगलीनाथ बाबा का है, सिद्ध स्थान है। बाबा जी बहुत ही सच्चे बाबा जी हैं और यहाँ पे आने वाले भक्तों के समस्त मनोरथ पूर्ण करते हैं। प्रभु हर तरीके से प्रभु भक्तों की रक्षा करते हैं। और ये शनिदेव का जो स्थान है, 15-16 साल से लगभग इनको स्थापना हुई है यहाँ पर। ये भी बहुत सच्चे हैं शनिदेव भगवान। शनिवार को या शनि अमावस्या को बहुत ही बढ़िया भव्य कार्यक्रम यहाँ पे किया जाता है। शनिवार को काफ़ी सारी भीड़ होती है भक्तों की यहाँ पर। क्या मान्यताएं हैं शनिदेव की? शनिदेव की बहुत सारी मान्यताएं हैं। आप यहाँ जल दान है, दीप दान है, भगवान की प्रार्थना करिए, आपके कष्टों का निवारण करते हैं। शनि से संबंधित किसी भी तरीके की है, हमारे आपके जीवन चक्र में शनि एक ग्रह है, उसके हिसाब से शनि का की दया दृष्टि और कुदृष्टि भी हमारे आपके जीवन में होती है। हमारे अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों के हिसाब के ये फल आता है। आप जैसा अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलता है। प्रभु जो है शनिदेव भगवान, ये कलयुग कलिकाल के न्यायाधीश बोला जाता है इनको। जैसे हमारे यहाँ जिला कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ऐसे इनकी ये स्वयं न्यायाधीश हैं। हमारे आपके द्वारा किए गए कृत्यों, अच्छे और बुरे कृत्यों का ये फल देते हैं। व्यक्ति जैसा बोता है वैसा काटता है, ये शनिदेव के पास न्याय व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुशी देवी।